नमस्कार। अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर सह अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता। बुलेटिन आरंभ करबा हले प्रथमे हेडलाइन्स। संभाव्य बात्या पई राज्य सरकार को प्रस्तुति। खोलाजीव 24 घंटिया कंट्रोल रूम। बन्या नुहे आसी परे फ्लाश फ्लड स्थिति। पानी जमीबा आशंका थिबारु ड्रेनेज सफा पई निर्देश। आज शक्ति विभाग सह एसआरसी बैठक। संभाव्य बात्या मुकाबला और बात्या पर स्थिति सजाड़ा को ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करे एसआरसी। 26 सका लैंडफल करश। कोरोना जनित मृत्यु को नहीं प्रधानमंत्री आखिरी लुह। डाक्तरों आलोचना बेले भावुक हेले मोदी। देशवासी को वैक्सीन गुरुत्व बुझे। ब्लाक कांग्रेस संपर्क में चेताई। आज राज्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक। संध्या 5:30 मुख्यमंत्री अध्यक्षत बस मीटिंग। विसी जरिया जोगदे एकाधिक मंत्री। विभिन्न प्रस्ताव उपरे बाजिपे मोहर। ब्लॉक कांग्रेस भय। देश में 7000 उपरे मामला। महाराष्ट्र में स्थिति संगीन। एपटे पश्चिम ओडिशा प्रथम रोगी चिन्हट। ब्लॉक कांग्रेस महामारी नुहे कहले स्वास्थ्य निर्देशक। मृत्यु आक्रांत में सर्वकालीन रेकर्ड। राज्य में आज 27 मृत। 12523 पॉजिटिव। युववर्गों मध्य बढ़ुची डेथ रेट। मे शेष सुधा कम संक्रमण कहले स्वास्थ्य विशेषज्ञ। एवं दीपिकांत मर्डर केस कहीं चुप महंगा पुलिस। 7 वर्ष पर भी मिलूनी न्याय। मंत्री प्रताप जेना चापे आक्शन होभोग। 2014 होता हत्याकांड। संभाव्य बात्या को नहीं राज्य सरकार को प्रस्तुति। तीन विभाग ग्राम्य उन्नयन पूर्त और जल संपद विभाग समन्वय में 24 घंटिया कंट्रोल रूम खोल जावाक निर्देश दिया दिखाई है। एथपाई गोटे टोल फ्री नंबर जारी करा जिबो। जोटी जहां असुविधा हो नंबर में लोके जनपरे। जेहेतु खरा दिन बात्या आसुची तेणु बना स्थित उपजीव ना। केवल फ्लाश फ्लड स्थित आसपे जल संपद विभाग निर्वाही जंत्री ज्योतिर्मय रथ। तेज कि जगार पा जमिपे एथपाई विभिन्न बंधगुड़िकट्रोली कड़ाकड़ी। ड्रेनेज गुड़ी सफा करने निर्देश दि जाए। जो जो मेसीन सब अच्छी प्रस्तुत कर रखे तुरंत कम संभाव्य 10 जिला सरकार संपूर्ण प्रस्तुति ज्योतिर्मय रथ। अधिक आलोचना दिव्यज्योति महांती और भुवनेश्वर प्रतिनिधि आम सहित फोन लाइन में जोड़ी। दिव्यज्योति कहवा संभाव्य बात्या को नहीं राज्य सरकार पूरा तत्पर। गोटे पर गोटे बैठक डक आलोचना कौन एसआरसी पक्षर पूर्व प्रस्तुति सब कर देखो। निश्चित भाव में एसआरसी गत 3 दिन हम बात्यार पूर्वानुमान को नहीं जो आकलन आसुच्छे पूर्वानुमान आसुच्छ विभिन्न पर्यायर विभिन्न अधिकारी बैठक कर एनडीएम अर्थात नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राज्य सरकार विभिन्न अधिकारी आलोचना करते जो स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर संपूर्ण भाव में कहा एनडीएम पक्षर आपण संपूर्ण प्रस्तुत रुहतु जेकोसी परिस्थितर मुकबिला संपूर्ण सजग हो रुहतु। से ही क्रम देखिए आज जल संपद विभाग पक्षर पदक्षेप नि जल संपद विभाग ग्राम्य उन्नयन विभाग और कृत विभाग तीनोटी विभाग समन्वय में गोटे कंट्रोल रूम खोल जावाक निर्देश दिखाई गोटे टोल फ्री नंबर जारी करा जो खूब शीघ्र क्योंकि बात्या परवर्ती स्थिति रे जेहतु लगातार 3-4 दिन वर्षा जारी रास्ट होवार संभावना रही दृष्टि रखी जो पा जम जो बना स्थित उपजीव से लोक मैंने फोन कर जन पारे से टोल फ्री नंबर से उधार कर मेसीनारीज गुड़िक प्रस्तुत रखा कहुआ जो जहाँ मेसीनारीज अच्छी अलर्ट रखाई जदि से स्थिति उपजे तुरंत पा निष्कासन जल निष्कासन निर्देश दिखाई तु सब बड़ कथा जे अंपटे स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर निर्देश देते जो जहाँ भी दरकार पड़ी इवाकेशन आपत तुरंत इवाकेशन करूँ जमी कौन भी जड़े लोक कचा घरे रे ना आज कि जिला को यार भितर एनडीआरएफ और ओड्राफ रिच्छ टीम को पठाई से सजग रखा जदि किसी वर्षा आरंभ हुए तो लोक मान स्थानातरण प्रक्रिया आरंभ होने स्थानीय प्रशासन को सहयोग करेंगे स्थानातरण प्रक्रिया में किसी जगार सेल्टर हाउस को संपूर्ण प्रिपेयरनेस रखाला विशेषकर 11 उपकूलवर्ती जिला गुड़िकर सेल्टर हाउस गुड़िक प्रिपेयरनेस सरला संपूर्ण सानिटाइज कराऊ कोरोना गाइडलाइन किभ अनुपालन हो दिखाई तो निहाती भाव में सरकार प्रस्तुत अच्छा
आगामी 12-24 घंटा भितर गोटे स्पष्ट चित्र आसीब तापर आम कहीपर जो बात्यार दिग कौन रही है बात्या क्यों दिग्गू गति करते ओडिशा उपकूल दिए गति कर जगार क्षति हे और कौन तार रूपरेख रही आउ कि समय अर्थात आमको 24 घंटा पाखापाखि अपेक्षा करा पड़ से विषय जानवाई निवेदा निहांति दिव्य जाओ अपेक्षा करने को पड़ो 12-24 घंटा गोटे चित्र स्पष्ट चित्र सामना को आसिबो यारी मध्य राज्य सरकार पूर्व प्रस्तुति आरंभ कर सारी घन घन बैठक डाकुचे कि भावे कौन से असुविधा न उपजे और विशेषकर जेहेतु खरा दिन रही बनार कौन आशंका नहीं जदि हम फ्लाश फ्लड स्थित आसीपा जो सब विभाग सहित से आलोचना करभाग ग्राम्य उन्नयन पूर्त और जलसंपद विभाग सह 24 घंटिया कंट्रोल रूम खोल निर्देश दिया जाए बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति महांति भुवनेश्वर प्रतिनिधि बाबद आलोचना करते आज शक्ति विभाग सह एसआरसी बैठक संभाव्य बात्या मुकाबिला और बात्या परर स्थिति सजाड़ा को ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करेंगे एसआरसी 26 तारीख सका पश्चिमबंग ओडिशा उपकूल में पहुंचे यश 25 तारीख आरंभ हो बात्यार प्रभाव प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा सह पवन बेग बढ़ एने पूर्वानुमान कर भारतीय पाणीपाग विभाग एपटे संभाव्य बात्यार मुकबिला राज्य में आरंभ हो प्रस्तुति एसआरसी विभिन्न विभाग सचिवों सह आलोचना कर प्रस्तुत रहिबाकु निर्देश देते सेपटे बंगोपसगर संभाव्य बात्या यश अशांत हो पारे समुद्र एथपाई गभीर समुद्र को जाता मत्स्यजीवी को कूल को फेरी आसवाई निर्देश दि जाने कोस्टगार्ड पक्ष सतर्क कर कोस्टगार्ड जवान माने विमान जोगे समुद्र भितर को जाई मत्स्यजीवी मानक सचेतन करुछंती आसंता 26 तारीख सुधा बात्या यश ओडिशा एवं पश्चिमबंग उपकूल छुईबा नहीं आकलन कराई तेणु यह पूर्व मत्स्यजीवी माने समुद्र भितर पलाई आसवापी कोस्टगार्ड पक्षर सचेतन अभियान आरंभ हो संभाव्य बात्या को नहीं एसआरसी निर्देश पर गजपति जिला प्रशासन प्रस्तुति आरंभ कर तेज समस्त बात्या आश्रयस्थल समेत स्कूल गृह कम्युनिटी हॉल गुड़िक प्रस्तुति बात्या प्रभावित तो आशंका थिपा अंचल गुड़िकर सरकारी कर्मचारी को निर्देश देते गजपति जिलापाल यह बात्या स्थानातर होगा लोकों पर स्क्रीनिंग और कोरोना लक्षण थे स्वतंत्र कोठरी रखापी प्रस्तुति होता जिलापाल अनुपम शाह एपरिक जिले में पहाड़ खसवा बाटी अतड़ा खसी विपद गांवगुड़िकर तालिका प्रस्तुत हो सारी वर्षा आरंभ होगा पूर्व से सुरक्षित ठिकन पहुंचा जिलापाल आमको सजग रहा कहुई सहित आम बात्या आश्रयस्थल जो मिनिमम फैसिलिटी रहा कथा तर बेसिक मिनिमम फैसिलिटी एनश्योर करने कहुई आउ जो पावर कटर है आमर आस्का लाइट है सेगुड़ा सब जो जो खराब अच्छे रिपेयर करने कहुई आम से सब कार्यक्रम चली सहित आम लाइन लिस्टिंग आम प्रक्रिया आरंभ हो गला जोटा प्रोबेबल प्लेसेस लोक मूँ सिफ्ट करवा दरकार जो विपद संकुल अवस्था पहाड़ उपर रोचे प्रतिथर करें लिस्टिंग हूँ आउ दरकार इमिडियेटली सिफ्ट कर दिग्वे पदक्षेप नि पश्चिम ओडिशा रे चिन्हट है प्रथम ब्लैक फंगस रोगी चिन्हट रोगी बरगढ़ जिला बरपाली अंतर्गत बजपदर ग्रामर बोली जमापड़ रोगी को वर्तमान बुर्ला मेडिकल ईएनटी विभाग में भर्ती कर रोगी जनक पूर्व कोरोन आक्रांत होते तेज कोरोनु सुस्थ हो घर को फेरपर नाक समस्या सृष्टि होता चिकित्सापी बुर्ला आनी पर लोके तेज बुर्लें यह ब्लैक फंगस जमापड़ देशरे ब्लैक फंगस आतंक देशर विभिन्न प्रांतर 7000 उपरे मामला चिन्हट है जहाँकि देश चिंतार कारण पलटि एवं सुधा देश में 7251 मामला चिन्हट होता बेले 219 जनक मृत्यु होती कोरोना भली ब्लैक फंगस संक्रमण द्वारा होता मृत्यु संख्यार महाराष्ट्र एवं आगे रही राज्य में भूताणु संक्रमण में 90 जनक मृत्यु होता जमापड़ी एने देशर 5टी राज्य भूताणु संक्रमण को महामारी भाव घोषणा कर सारी बेले भूताणु संक्रमितों ठार व्यवहार होता औषध लेपोसोमेल और एम्पोटोरिसिन अभाव देखा मिले
कोरोना जोगु टेंशन बढ़ुवा बेले ब्लैक फंगस भय को द्विगुणित करितिला तबे एपरि परिस्थिति रे एबे पुणी व्हाइट फंगस आतंक खेलाइलानी जाकी ब्लैक फंगस ठुबी आहुरी मारात्मक बोली जणा पडिछे। कोरोना आरोग्यों को रोग प्रतिरोधक शक्ति ह्रास कारण ब्लैक फंगस आक्रमण करुवा बेले एबे पुणी व्हाइट फंगस चिंता को द्विगुणित करि सालानी। बिहार रे व्हाइट फंगस आक्रांत चिन्हट होई सारिछंती। बिहार पटना रे 4 जण व्हाइट फंगस आक्रांत चिन्हट होती पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल चिकित्साधीन रही। ब्लैक फंगस ठारु अधिक मारात्मक होची व्हाइट फंगस। यह नख चर्म फुसफुस पाकस्थली किडनी ब्रेन को क्षति पहुंचाउछि। सेबडे ब्लैक फंगस को नहीं भयभीत न होगा परामर्श दे स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र। तेज यह एक महामारी नुहे। राज्य में वर्तमान सुधा 20 जन ब्लैक फंगस संदिग्ध चिन्हट होती। डाक्तर आलोचना बेले भावुक हेले मोदी। देश में कोरोना जनित मृत्यु को नहीं प्रधानमंत्री आखिरे लुह। कोरोना सह लड़े रे अनेक निज प्रियजन को हर युद्ध में प्राण हर समस्त श्रद्धाजलि जनई प्रधानमंत्री। वाराणसी डाक्तर वर्चुआल आलोचना करते मोदी। यह अवसर में से जो रोगी से उपचार मंत्र कोरोनार द्वितीय लहरें देशर स्वास्थ्य सिस्टम उपर चाप बढ़ी। संक्रमण पूर्व अपेक्षा अनेक गुण बढ़ी। आक्रांत को अधिक दिन हस्पिटाल रहिबाक पड़ुछि। एबे महामारी ठारु पिलांकु रक्षा करिबा जरूरी होई पड़िछि। कोरोना को कंट्रोल करिबारे वाराणसी को सफलता मिलछि। तबे वर्तमान वाराणसी सह पूर्वांचल समस्त गांव को बचाइबा उपरे फोकस रहिछि। सेबरी वैक्सीनेशन को गुरुत्व को देशवासी निकट में रखिछन्ति प्रधानमंत्री। याकु सुरक्षा कवच कहिबा सह या किभले आगधाड़ी योद्धा को बल दे से कथा कहते से ब्लैक फंगस को नहीं देशवासी को चेताई प्रधानमंत्री। मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स ने नर्सेस ने टेक्नीशियंस वार्ड बॉयज एम्बुलेंस ड्राइवर्स आप सभी ने जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है। हालांकि ये महामारी इतनी बड़ी है कि आप सबके इस कठिन परिश्रम और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। राज्य में क्रमगत भाव संक्रमण सह तालदे मृत्यु संख्या वृद्धि पाइबारे लगी। कोरोना राज्य में आज 27 लोक जीवन नहीं सहित राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 2430 को वृद्धि पाई। कोरापुट और खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 4 जन लेखाएं आक्रांत मृत्यु घटी। यह पचक नुआपड़ा रायगड़ा और सुंदरगढ़ 3 जन लेखाएं लोक जीवन हर से राज्य में दैनिक संक्रमण 12000 देती। गत 24 घंटे 12523 जन टेस्ट रिपोर्ट पजिट आसी। नक्रांतों मध्य 7012 जन क्वारंटीन रहता बेले 5551 जन लोकाल केस रही। एतस राज्य मोट आक्रांतों संख्या 668422 पहुंची। आज चिन्हट आक्रांतों मध्य सर्वाधिक खोर्धा जिलूर 1842 जन रही। कटक 1084 अनुगुल 930 सुंदरगढ़ 715 पुरी 568 बालेश्वर 510 कलाहांडी 491 जाजपुर 419 संबलपुर जिलूर 400 गंजाम 369 झारसुगुड़ 373 बरगढ़ 315 नवरंगपुर 383 बलांगीर 296 और नुआपड़ 129 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती।
मे मास शेष सुधा राज्य में कमिबो कोरोना टेस्टिंग बढ़ुथिबारु बढ़ुछि संक्रमण टेस्टिंग अनुसार पॉजिटिव रोगी संख्या अधिक नाही एभली दाबी रखिछन्ति स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र सेपरि राज्य में 80% आईसीयू फिल होइछि तबे 50% रु अधिक वेंटिलेटर साहाज्यरे अछन्ति जहार माने अधिकांश रोगी वेंटिलेटर अछन्ति सेतिपई आगोकु मृत्यु संख्या बढ़ी पारे प्रथम लहर रे 18 वर्ष तळकु 10% डेथ रेट थिला एबे अधिक युववर्ग कोरोना रे प्रभावित होउछन्ति जेते शीघ्र आमे वैक्सीनेशन करिबा डेथ रेट मध्य कमेबो देशरे कोरोना जनित संक्रमण और मृत्यु संख्या धीरे धीरे कमुची किंतु राज्य में लॉकडाउन और शटडाउन सत्ते संक्रमण हार कमिबार ना लेनी प्रतिदिन नुआ नुआ केस सामना को आसुची जहां चिंतार कारण पलटि एपरी स्थले आपण किपरी नेबे निज देहर जत्न जदि थंडा ज्वर होउची तेबे डाक्तरखाना जिबे ना घरे रही चिकित्सित हेबे ए प्रसंगे आज दिन तीनटे रही आम स्वतंत्र आलोचना कोरोना परामर्श एने परामर्श देबे गैस्ट्रो एंट्रोलोजिस्ट डाक्टर सुशांत सेठी फोन कॉल रे आपण डाक्टर को परामर्श मध्य नै पारिबे कॉल करबा पई नंबर टी होची 8763274894 कोरोनार द्वितीय लहर देश पई घातक साजिछि आज देश रे 269591 जन संक्रमित चिन्हट होईछन्ति सेपटे 4209 जनक मुंड नैछि कोरोना देश रे मोट संक्रमितक संख्या 2,60,31,991 पहुंची से 2,37,12,735 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ हो जमापड़े एजावत मोट 2,91,331 जन कोरोना प्राण हर देश एवं कोविड महामारी द्वितीय लहर संक्रमण सह लड़ुचे संक्रमण रोकवाई अम्लजान जोगाण और टीकाकरण को गुरुत्व दि जाए कोरोना आक्रांत को चिकित्सा सुविधा निम्ते केन्द्र सरकार विभिन्न पदक्षेप नौपटे हस्पिटाल शज्ञा संख्या और आईसीयू बेड संख्या वृद्धि निम्ते केन्द्र सरकार निरंतर कार्य जारी रखिंट द्वितीय पर्याय लॉकडाउन रे कठोर होइछि कमिश्नरेट पुलिस पुणी राजधानी विभिन्न हाट में कोविड नियम उल्लंघन अभियोग चढ़ऊ कर विभिन्न थाना आईआईसी जोन एसपी चढ़ऊ में सामिल रही एक नंबर हाट में अमानिया निकट जरिमाना आदाय कर गाड़ी आनी पनीपरिया ने आसीबा लोक तंड गणी से एक नंबर हाटर परिसीमा को बढ़ा जा 6 फुट दूरतार बस व्यवसायी को निर्देश दि जाए सामाजिक दूरता बजाय रखा सह भिड़ एड़ाई कमिश्नरेट पुलिस बीडीए बीएमसी एवं परिवा व्यवसायी संघ उद्यम हाटर परिसीमा वृद्धि कर महंगा दीप्तिकांत मर्डर केस रे काहेकि चुप महंगा पुलिस 2014 रे गुली करी दीप्तिकांत को हत्या करथिले दुर्बृत्त 7 वर्ष पर भी न्याय मिललानी दीप्तिकांत परिवार को आउ सेमाने अभियोग करिसेंती मंत्री प्रताप जेना लोक हत्या करथिबारु पुलिस चुप रही 7 वर्ष हला न्याय पाई लड़ाई करिसेंती दीप्तिकांत भाई और भाउज मंत्री प्रताप जेना पिला बोली प्रशांत राउत मंत्री प्रताप जेना खास लोक होइथिबारु पुलिस निर्देश क्रमे प्रशांत चार्जशीट को नार काटि देला 7 वर्ष पर भी मिललानी न्याय हत्याकारी को सुरक्षा देउछंती कि मंत्री प्रताप जेना महंगा बाजपुर दीप्तिकांत परिवार मागुचि न्याय फेब्रुवारी 28, 2014 समय राति प्राय 9 टा एक बाइक रे निज सांगों को सहित घर को फेरुथिले दीप्तिकांत साहू गोपालपुर छक आउ एक बाइक रे दुई जन आसिले तांको ऊपर को फायरिंग कले 3 राउंड रो फायरिंग जीवन चली गला दीप्तिकांत परिवार लोकों का अभियोग अनुसार हत्याकांड रो मास्टरमाइंड थिला प्रशांत कुमार राउत उर्फ नंडा चार्जशीट रु नंडार ना काटिदेला पुलिस ताको गिरफ करा गला नहीं अन्य माने भी बेल पाई गले पुलिस खसाई देला नंडा को कारण से हेउछि पावरफुल मंत्री प्रताप जेना खास विभिन्न सभा समिति रे प्रताप को सह प्रशांत अभियोग होइछि प्रताप को इशारा रे सेतेबेले नंडा को खसाई देथिला पुलिस पुलिस 4 जन को गिरफ्त करथिला मुख्य अभियुक्त प्रशांत कुमार राउत उर्फ नंडा को पुलिस गिरफ्त अरेस्ट कला नहीं प्रशांत को एफआईआर रखिला
ସିଡ଼ିରେ ରଖିଲା, ଚାର୍ଜସିଟିରେ ନାଁକୁ କାଟିଦେଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଶାସକ ଦଳର ସହକର୍ମୀ ଥିଲା, 2014 ମସିହାରେ ତାର ଭାଇ ବାବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଶାସକ ଦଳର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲା। ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ ଦବଙ୍ଗିରି, ପୁଣି ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଦୁଇ ବଖରା ଜଳି ପୋଡ଼ିଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି କାଣ୍ଡ ବି ନଣ୍ଡା ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ହେଲେ ସବୁ ଜାଣିବି ପୁଲିସ ଚୁପ। ଏହାପରେ ଭୟରେ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଛତିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି। 6 ମାସ 10 ଦିନ ପରେ ବେଲରେ ଆସିଲେ। ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ ଓରଫ ନଣ୍ଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର୍ମେ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୋ ଘରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳିଦେଲେ। ତା'ପରେ ଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ମହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ କାହାରିକି ଗିରଫ କଲା ନାହିଁ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, 7 ବର୍ଷ ପରେ ବି କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ନ୍ୟାୟ? କାହିଁକି ନଣ୍ଡା ବିରୋଧରେ ହେଲା ନାହିଁ ଆକ୍ସନ? ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଚାପରେ ଚୁପ୍ ରହିଲା କି ମହାଙ୍ଗା ପୁଲିସ? କେବେ ମିଳିବ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ସରିଛୁ, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।